पैतृक भूमि से अपनी जड़ों से उखड़ करके कोई अज्ञात अनजानी दिशा में चलते हुए अंबाला में आकर के अपने आप को पुनर्स्थापित करे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम का कार्य लगता है। लेकिन जोखिम उठाने वाले मेरे आत्मीय मित्र श्री भारत सोपोरी से मेरा संपर्क कुछ वर्ष पहले कला प्रेमी होने के नाते एक नाटक में हुआ, और उसके बाद अब तक के सफर में मैंने जो उन्हें पाया वो अंबाला में लोगों के साथ संपर्क करने के प्रसार माध्यम को स्थापित करने का जोखिम भरा कार्य है। मुझे ऐसा लगता था ये ऊसर भूमि में बीज डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, पता नहीं ये फलेगा कि नहीं फलेगा। लेकिन भारत सोपोरी, जैसा कि मैंने कहा, जोखिम उठा करके आगे बढ़ने वाले, उम्मीद के साथ, आशा के साथ, डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं, जिसको आशावादी मैं कहूँगा। वो न केवल कम्युनिटी रेडियो स्थापित किया, उसको एफएम में कन्वर्ट किया, नाटकों के माध्यम से जन संचार से जुड़े, और इस नाते मैं उनको परिवर्तन का अभिकर्ता मानता हूँ, जिसकी कसौटी पर वो खड़े उतरे हैं, और चेंज एजेंट के रूप में जन जन के साथ अंबाला वासियों को जोड़कर, यहाँ के कला जगत को जोड़कर, नाटक के माध्यम से जोड़कर, वो ना केवल लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उनका ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं, और व्यक्तियों, स्थितियों, वस्तुओं के बारे में उनकी धारणाओं का परिष्करण कर रहे हैं, और ये परिष्कार ही व्यक्तियों के आचार और व्यवहार को बदलता है और उनको बेहतर निश्चय और निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है। और जब बेहतर निर्णय लिए जाते हैं तो स्थितियों का, व्यक्तियों का, देश का, समाज का कायाकल्प होता है। इस कायाकल्प का ये माध्यम बना करके इन्होंने कम्युनिटी रेडियो में एक ऐसी क्रांति की है जो धीरे धीरे अंबाला, हरियाणा, समाज, देश को विकास की दिशा में आगे ले जाएगी। इसकी पहली वर्षगांठ पर मैं रेडियो वितस्ता की सारी टीम को, सोपोरी जी के मार्गदर्शन को, इनके साथ जुड़े हुए परिवार और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।